You are most welcome to my channel. R. Kundu, learning is a treasure. Unseen passage को solve करने के लिए quickly read करना होगा और word to word meaning समझना जरूरी नहीं है. Midas, the king, was a greedy person. He loved gold more than anything in the world. He had lots of wealth, but he was never really a happy person. One day, God Bacchus came to Midas. Midas had once helped God Bacchus, and in return Bacchus offered him a gift. "What shall I give you to make you happy?" God asked him. Midas thought for a while and then said, "Please give me the power to turn everything I touch into gold." Bacchus laughed and said, "Your wish is granted." As soon as the sun rises tomorrow, you will have the golden touch. The next morning, Midas woke up and he had his golden touch. He touched his bed, the chairs, doors, windows, and all became gold. Suddenly, he felt very hungry. He sat at the table, but as soon as the food touched his lips, it turned into gold. So did the water. It seemed he could no longer eat or drink. After some time, his daughter came to him. When he put his hand on her, she became a gold statue. In the end, Midas became very sad and prayed God Bacchus to take away the golden touch from him. पैराग्राफ को क्विकली रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन को भी मीनिंग समझकर रीडिंग करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास, मतलब मिदास किस टाइप का मैन था. अ ग्रीडी पर्सन, अ मिजर मैन, अ ब्रेव मैन एंड वाइज मैन. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हु केम टू मिदास वन डे, मतलब मिदास के पास एक दिन कौन आया था. गॉड जीसस, गॉड बाकिस, गॉड ज्यूस एंड गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बाकिस ऑफर हिम अ गिफ्ट, मतलब बाकिस उसको ए गिफ्ट क्यों ऑफर किए थे. ए बिकॉज ही हैड हेल्प्ड गॉड वंस, बी because he had pleased Bacchus, C because he had annoyed Bacchus, D because he cared for Bacchus. Next question, what was Midas' wish?
मतलब मिदास का क्या इच्छा था? ए टू बिकम रिच, बी टू टर्न एनीथिंग ही टच्ड इनटू गोल्ड, सी टू टर्न हिज डॉटर इनटू गोल्डन डॉल, डी टू बिकम पावरफुल. लास्ट क्वेश्चन, हु टर्न्ड इनटू गोल्ड स्टैचू व्हेन मिदास टच्ड, मतलब कौन गोल्ड स्टैचू में परिवर्तित हो गया था जब मिदास उसको टच किया था? ए डॉटर, बी सॉन, सी अंकल, डी आंट. आप देखते हैं क्विकली अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं. अब देखिए वर्ड मीनिंग का समझ नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करना है वर्ड मैचिंग करके. देखिए क्वेश्चन में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास, वाज मिदास, ये दोनों वर्ड को हमको ध्यान देना है. अब चलिए पैराग्राफ में. पैराग्राफ में देखिए मिदास, अगर द किंग हटा दे तो वाज, मिदास वाज अ ग्रीडी पर्सन. तो आंसर क्या होगा, मिदास वाज ग्रीडी पर्सन. आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू मिदास वन डे, इसमें कौन सा वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? केम टू मिदास, वन डे भी है. अब मूव टू पैराग्राफ. देखिए वन डे गॉड बक्स केम टू मिदास, केम टू मिदास वन डे, हु गॉड बक्स. आंसर हु केम टू मिदास वन डे, आंसर होगा गॉड बक्स. अब क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड बक्स ऑफर हिम अ गिफ्ट, कौन से वर्ड के ऊपर इसमें ध्यान देना? इसमें ध्यान देना है ऑफर, कौन ऑफर किए थे? बाकिस ऑफर किए थे अ गिफ्ट. और व्हाई, व्हाई मतलब क्यों दिए थे. अब पैराग्राफ में देखते हैं. अब पैराग्राफ में बाकिस ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट, उससे पहले लाइन में क्या है, इन रिटर्न, मतलब व्हाई का आंसर इससे पहले मिलेगा. तो पहले लाइन में क्या है, मिदास हैड वंस हेल्प्ड गॉड बाकिस, तो आंसर हो जाएगा वंस हेल्प्ड गॉड बाकिस. तब इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज ही हैड हेल्प्ड गॉड वंस ए. नेक्स्ट, व्हाट वाज मिदास विश, इसमें कौन से वर्ड के ऊपर ध्यान देना है? मिदास और विश, मिदास का इच्छा क्या था? टू बिकम रिच, टू टर्न एनीथिंग ही टच्ड इनटू गोल्ड, टू टर्न हिज डॉटर इनटू अ गोल्डन डॉल. नेक्स्ट, टू बिकम पावरफुल. नाउ मूव टू पैराग्राफ. अ पैराग्राफ में मिदास विश, यह विश, योर विश इज ग्रांटेड, मतलब इसका विश ग्रांट हो गया, आपका विश ग्रांट हो गया, मतलब इसका पीछे वाला लाइन में तब ध्यान देना है. विश क्या था, मिदास थॉट फॉर ए व्हाइल, देन ही सेड प्लीज गिव मी द पावर टू टर्न एवरीथिंग अटच इनटू गोल्ड. तो उसका इच्छा क्या था, टर्न एवरीथिंग अटच इनटू गोल्ड, तब ये होगा आंसर. अब चलिए
आंसर होगा टू टर्न एनीथिंग ही टच्ड इनटू गोल्ड, आंसर बी। अब लास्ट क्वेश्चन, हु टर्न्ड इनटू गोल्ड स्टैचू व्हेन मिदास टच्ड, कौन सा वर्ड का पर ध्यान देना है, मिदास टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड स्टैचू और हु कौन, मिदास टच करने के बाद गोल्ड स्टैचू में बदल गया था। नाउ मूव टू पैराग्राफ। अब ध्यान देना है वर्ड का पर कौन सा, गोल्ड स्टैचू, गोल्ड स्टैचू वर्ड हो गया, मिदास टच, मिदास टच वर्ड अभी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए फुल स्टॉप है, तो पूरे लाइन को पढ़ना है। सेंटेंस क्या है, व्हेन ही पुट हिज हैंड ऑन हर सी बिकेम अ गोल्ड स्टैचू, कौन हुआ था, सी हुआ था। अब सी मतलब कोई लड़की होगा, तो उसके पहले देखिए, उससे पहले है आफ्टर सम टाइम हिज डॉटर, हिज डॉटर केम टू हिम व्हेन ही पुट हिज हैंड ऑन हर, इसी में है टच, पुट हिज हैंड मतलब टच करना है। सी बिकेम अ गोल्ड स्टैचू, गोल्ड स्टैचू कौन हुआ था, हिज डॉटर। गोल्ड स्टैचू कौन बना था, पैराग्राफ में देखे हैं हिज डॉटर, तो आंसर होगा ए डॉटर।